नमस्ते बच्चों, आज का पाठ है लाख की चूड़ियाँ। यह पाठ बसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए है। आज मैं आपको इस पाठ का सार और इसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं पाठ लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ में लेखक ने यह दर्शाना चाहा है, यह बताना चाहा है कि जो हमारा वर्तमान समय है, जो वर्तमान युग है, मशीनी युग है, मशीनों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हाथ से काम करने वाले जो लोग हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनके पैतृक व्यवसाय छूट रहे हैं, हाथ की चीज़ों की मांग कम हो गई है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, हथकरघा उद्योगों की जगह मशीनें काम करने लग गई हैं। यह पाठ लेखक की बचपन की यादों से शुरू होता है। लेखक कहते हैं, जब वह छोटा था तो हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल जाया करता था। ननिहाल नानी के घर मामा के पास जाता था और हर साल वह 1-1.5 महीने वहाँ रह कर आया करता था। उस गाँव में बदलू नाम का एक व्यक्ति रहता था। मामा के गांव का होने के कारण लेखक को उसे बदलू मामा कहना चाहिए था। बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका ही कहने लगा। वह मनिहार था, मनिहार अर्थात चूड़ी बनाने वाला था। वह रंग बिरंगी ढेर सारी लाख की चूड़ियां बनाता था। यह उसका पैतृक व्यवसाय था, अर्थात जो उसके पूर्वज करते थे, जो उसके दादा या पिता करते थे, वही उसने अपना लिया था। उसकी चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध थी। उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव की औरतें भी उसकी चूड़ियाँ लेने के लिए वहां पर आया करती थी। लेखक जब भी गांव में आता तो बदलू से ढेर सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। वो गोलियाँ बच्चों का मन मोह लेती थी, इतनी सुंदर वो गोलियाँ होती थी। बदलू का मकान गाँव में कुछ ऊँचाई पर था। मकान के सामने बड़ा सा आंगन था जिसमें एक नीम का पेड़ था, उसी के नीचे वह अपना काम करता। पास में तेज भट्टी पर लाख पिघलाता। लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करके पतले सलाख के रूप में चूड़ी का आकार प्रदान करता। खूब सारी चूड़ियों को एक साथ बनाकर उसे बेलन नुमा लकड़ी के गोल गुटके पर चढ़ा देता। फिर जब लाख के रूप में चूड़ियाँ जम जाती तो उन्हें एक एक करके रंगता था। बदलू अपना यह काम एक मछिया एक सूत और लकड़ी से बनी एक स्टूल होता है जिसे खाट भी कहते हैं, उस पर बैठकर करता था। पास में ही उसका हुक्का रखा रहता था, बीच बीच में वह हुक्का पीता रहता था। तो लेखक का अधिकतर समय बदलू के पास ही बीतता। बदलू उसे लला कहकर पुकारता और उसके पहुंचते ही लेखक के पहुंचते ही मछिया लेखक के लिए मंगा देता और वो बैठे बैठे घंटों लेखक वहाँ पर बैठे बैठे उसको चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। हर रोज़ वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, परंतु वह अपनी चूड़ियों को कभी पैसों में नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु में विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। स्वभाव से बहुत सीधा साधा था, कभी किसी से झगड़ता नहीं था। शादी विवाह के अवसरों पर वह जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे उससे कोई मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु जब किसी का विवाह होता था, विवाह के अवसर पर वह पूरी कसर निकाल लेता था कि आखिर सुहाग के जोड़े का ही तो महत्व होता है। लेखक को एक बात स्मरण है कि उसकी मामा के यहाँ लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर वह बिगड़ गया था और उसको मनाने के लिए उन्हें बहुत प्रयत्न करने पड़े थे। विवाह के अवसर पर इसी जोड़े का मूल्य, चूड़ियों के इसी जोड़े का मूल्य जो है बहुत बढ़ जाता है। वह अपनी घरवाली के लिए वस्त्र लेता है, ढेर सारा अनाज और अपने लिए पगड़ी और रुपये, ये सब उसको चाहिए होता है। संसार में यदि बदलू को किसी बात से चिढ़ है तो कांच की चूड़ी पहनने वाली औरतों से। यदि वह किसी के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखता है तो अंदर ही अंदर कुड़ उठता है और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना भी देता है। लेखक से वह घंटों बैठकर बातें किया करता, कभी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी उसके घर वालों के बारे में, कभी शहर के जीवन के बारे में। उसे कहता कि शहर में तो लोग कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं, तो वह कहता, शहर की बात और है लला,
वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोश ना आ जाए। लू लेखक की अच्छी खातिरदारी करता, उसको आम खिलाता और वह दो चार आम ही खा पाता, तब वह कहता कि शहर के लोग अधिक आम नहीं खा सकते। एक बार लेखक के पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक एक लंबी अवधि तक गांव न जा सका, लंबे समय तक वह गांव में न जा सका, क्योंकि उसके पिता का ट्रांसफ़र, उसकी बदली दूसरे शहर में हो गई थी। लेखक लगभग 8-10 साल के बाद उस गांव में दोबारा आया। उसका बदलू की से लाख की रंग बिरंगी गोलियां लेने का चाव जो था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वह अब बड़ा हो गया था, अब उसे बदलू का ध्यान भी नहीं आ रहा था। फिर एक दिन अचानक लेखक के मामा की बेटी आंगन में फिसल कर गिर गई। उसके हाथ के कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, खून बहने लगा। लेखक ने उसकी मरहम पट्टी की तो अचानक लाख की चूड़ियां बनाने वाले बदलू की उसको याद आ गई। शाम को वह घूमते घूमते बदलू के घर पहुंच गया। बदलू आज भी वहीं पर था और नीम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। लेखक द्वारा अपना परिचय जब उससे कराए जाने पर उससे लेखक को थोड़ी देर से पहचाना। अब बहुत पतला हो चुका था उसका शरीर, उसके माथे पर नसें उबार आई थी, दमे की तरह वह खांसी आ रही थी उसको, वह खांसे जा रहा था लगातार। लेखक ने जब काका से उनके काम के बारे में पूछा तो उससे जवाब दिया कि काम तो कई वर्षों से बंद पड़ा है, अब मेरी बनाई चूड़ियों को कोई नहीं पूछता, अब तो गांव-गांव में कांच की चूड़ियां बिक रही हैं, फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में कहाँ। ये शब्द कहते कहते काका के अंतर्मन की कोई व्यथा घर कर गई जिसे वह शब्दों के आवरण से रखना चाहता था। लाख की चूड़ियां न बिकने के कारण उसके मन का जो दर्द था वह उनको अपने शब्दों के आवरण से, शब्दों से ढकना चाहता था, लेकिन यह दुख छिपाए नहीं छिप सका। लाख की चूड़ियों का कारोबार बंद होने से बदलू काका अंदर ही अंदर टूट गए थे। उसने अपना काम बंद होने का कारण बताया कि आजकल मशीन युग है, सभी काम मशीनों से होते हैं, यहाँ तक कि खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं। मशीनी कांच की चूड़ियाँ भी लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती हैं। उनका यह कहना कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए लेखक को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि यह सत्य है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती मशीनें मनुष्यों का स्थान लेती जा रही हैं और अधिक संख्या में लोगों के जो कारोबार हैं रोजगार ठप हो रहे हैं। अमीर आदमी अधिक अमीर और गरीब आदमी और अधिक गरीब होता चला जा रहा है। जब लेखक की खातिरदारी करते हुए बदलू की बेटी रज्जू ने हथेली में आम लाकर लेखक की ओर बढ़ाए तो लेखक उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां देखकर एकदम से ठिठक गया। वो हैरान हो गया क्योंकि वे लाख की चूड़ियां उसके हाथों में बहुत सुंदर लग रही थी। तभी बदलू ने कहा, यह मेरी बनाई चूड़ियों का अंतिम जोड़ा है, जमींदार की बहन के लिए बनाया था, लेकिन सुहाग के जोड़ों के बदले केवल 10 आने वो दे रहे थे, इसलिए मैंने उनको ये चूड़ियाँ देने से इनकार कर दिया। बदलू को जब यह पता चला जमींदार द्वारा उसकी बहन की शादी का सुहाग का जोड़ा कम दामों में खरीदने पर बदलू ने देने से इनकार कर दिया तो उससे बदलू काका पर गर्व हो गया कि वह हालातों का भले ही मारा हुआ हो, हालातों ने भले ही उसे हरा दिया हो, लेकिन उसने अपने आप से हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की भांति टूटने वाला नहीं है, वह तो स्वाभिमानी है। तभी तो चूड़ियों के जोड़े को कम दामों में बेचकर उसने अपने नियमों को नहीं तोड़ा। भले ही जोड़ा न बिका कोई बात नहीं, लेकिन उसका स्वाभिमान, उसका आत्मसम्मान बाकी है। तो ये इस कहानी का सारांश था। अब देखते हैं हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो कि कहानी से है। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां पर बदलू नाम का एक मनिहार उसे रंग बिरंगी लाख की चूड़ियां बनाकर देता था। वह बदलू को बदलू मामा के न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गाँव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहा करते थे। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तुओं का आदान प्रदान करना। पहले लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते थे,
जैसे बदलू लोगों से चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर आवश्यकता की वस्तुएं ले लेता था, अनाज आदि ले लेता था, यही वस्तु विनिमय कहलाता है। वर्तमान में विनिमय की पद्धति जो है मुद्रा है, अर्थात पैसे धन देकर हम वस्तुएं खरीदते हैं, ना कि सामान देकर। अगला प्रश्न है, मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक कहना चाहता है कि हाथ से किए जाने वाले कार्य मशीनों के द्वारा किए जाने लगे हैं। लोग या तो बेरोजगार हो रहे हैं या उन्हें अन्य काम करने पड़ रहे हैं अपने पैतृक व्यवसायों को छोड़कर। अगला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? उत्तर, मशीनी युग में कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ने से बदलू की लाख की चूड़ियां अब कोई नहीं खरीदता था। यही कारण था कि उसकी चूड़ियों का काम बंद हो गया था। यही व्यथा थी जो लेखक के समक्ष छिपी न रह सकी। प्रश्न 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर, बदलू एक मनिहार है, अर्थात चूड़ी बनाने वाला है। उसकी बनाए लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांवों से भी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियां लेने आती थी। अचानक मशीनी युग आने से मशीन से बनी कांच की चूड़ियां अधिक बिकने लगी और लोगों को पसंद आने लगी और बदलू की चूड़ियाँ सबने लेनी बंद कर दी। ऐसा होने पर उसका पैतृक पेशा जाता रहा, उसे अपना काम ही बंद करना पड़ा। अब वह हर दम प्रसन्नचित रहने वाला, खुश रहने वाला बदलू मन ही मन दुखी रहने लगा, व्यथित रहने लगा। तो से प्रश्न उत्तर थे। आने वाले चैप्टर्स की अपडेट पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।